वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। हम लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी के फ्यूचर में डेली 1000 to 2000 रुपीज आप कैसे अर्न कर सकते हैं बगैर किसी बड़े रिस्क के। निफ्टी फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आती है। ऐसा होता है कि बार बार ऊपर नीचे नीचे ऊपर, या फिर एक लंबे समय के लिए 2-2.5 घंटे के लिए निफ्टी रेंज बाउंड हो गई, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। कभी कभी तो 2 दिन तक रेंज बाउंड हो जाती है। अब निफ्टी की सबसे, फ्यूचर की सबसे बड़ी चंचल बात क्या है कि वो इतनी तेजी से ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता है कि हम लोग बार बार ट्रेड करने को अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कई बार ट्रेडर्स की हालत होती है कि उन्होंने निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया, फिर देखा एकदम से नीचे आया 8-10 पॉइंट, आपका ऐसे लेट हुआ या घबरा के आपने सेल किया, फिर वापस ऊपर चला गया, फिर आपको लगा कि चलो आप बाइंग आ रही है, आपने बाय किया, फिर नहीं चल रहा है, 2-4 पॉइंट नीचे भेज दिया, फिर नीचे जाने लगा, आपने शॉर्ट सेल किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, आखिर में थक गए आप, और नहीं भी थके और ट्रेड कर भी रहे हैं तो दोपहर या शाम तक तो यह हालत हो जाती है कि 25-30 पॉइंट माइनस कर दिया आपने, और आखिर में कोई मूवमेंट पकड़ भी आ जाएगा तो 15-20 पॉइंट आप कमाएंगे, तो भी बाय द एंड ऑफ द डे पहले आपका ओरिजिनल लॉस बाकी है, ऊपर से ब्रोकरेज और टैक्सेस, ये बहुत बड़ी चीज है फ्यूचर्स के केस में। फ्यूचर का टैक्सेस बहुत बड़े होते हैं, कई बार तो जीरो ब्रोकरेज प्लान होते हैं, आदमी को लगता है ब्रोकरेज तो ज्यादा लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन अगले दिन के कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये चेक करो कि मैंने एक निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड किया है तो मेरा मिनिमम खर्चा ब्रोकरेज टैक्सेस दोनों मिला के कितना आ रहा है। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम काम करें कि एक तो हमसे इनडिसिप्लिन नहीं हो, और कितना भी लुभाए ललचाए फिर भी हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो फिक्स हो। तो इसके लिए एक सीधा सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, 3-मिनट स्ट्रेटेजी। आप जैसे बाजार आज खुलने वाला है, 9 बजे आप स्क्रीन पे बैठे और आपने कल का निफ्टी का ओपन हाई लो क्लोज देखा, हाई लो को नोट कर लिया, कल के हाई लो को नोट कर लिया, आज जैसे ही बाजार खुला कल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग, आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी, सुबह 9:20 से 11 बजे तक आप वेट कर रहे हैं, निफ्टी अपना हाई या लो जैसे ही ब्रेक करती है बस ट्रेड एक्टिवेट होते ही आपको विदिन 2 मिनट्स बेचना है। कभी आपको 4-5 पॉइंट मिलते हैं, कभी 8-10 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर बहुत झटके से 10-12 पॉइंट चला गया तब मैं कहूंगा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, क्योंकि जितना क्लियर ब्रेकआउट आता है उतनी ही तेजी से आगे भागने के चांसेस बनते हैं, जबकि आदमी इसका उल्टा करता है। ट्रेडर का यह होता है कि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है और निफ्टी 3-4 पॉइंट ही ऊपर गई है और वापस नीचे आने लगी तो हमारा मन कहेगा अरे 3-4 पॉइंट तो ज्यादा थोड़ी होते, इतना तो ब्रोकरेज टैक्स में चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या हवा में कैलकुलेशन है। वैसे कितना भी ब्रोकरेज कितना भी टैक्स लगे वो 1 या 2 पॉइंट से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो 3 पॉइंट में भी कुछ तो बचता ही है आपको। अगर ब्रेकआउट अच्छा नहीं है तो वो टिकेगा ही नहीं, नीचे चला जाएगा, ऐसे लेट हो जाएगा, ऐसे लगाने का फायदा नहीं है। आपको फटाफट ट्रेड एक्टिव होते ही बेचना है बस। आप अपने आप को ये मैसेज दे दीजिए कि या तो 2 पॉइंट मिले या मैं बराबरी में बाहर आ जाऊं, बुरा से बुरा होता है 1-2 पॉइंट नीचे बाहर आ जाऊं चलेगा, 1-2 पॉइंट तो कवर कर लेंगे हम लोग, इस लॉस को बड़ा मत होने दो 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट तक, क्योंकि जब आप ऐसे रुकने की हालत में रहेंगे, रुकने की आदत में रहेंगे, कभी कभी तो 40 पॉइंट तक फंसे रह जाएंगे, क्योंकि निफ्टी कभी कभी किसी खबर से सीधी 50 पॉइंट नीचे जाती है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप हाई पे बाइंग लो पे सेलिंग लगा के बैठे हैं, इसका एक अच्छी खूबसूरती है कि हाई पे बाइंग हो गई और आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए, जैसे बाजार नीचे गिरेगा लो पे सेलिंग भी हो जाएगी, तो एक तरीके से वो आपके स्टॉप लॉस का काम करने लग जाएगा। पर हम तो आपसे ये चाह रहे हैं कि ट्रेड एक्टिवेट होते ही आप 2-2 पॉइंट भी बाहर लेके आते हैं तो बहुत है, क्योंकि पता नहीं लगता है इसमें आपको कि कितना फायदा मिल रहा है। समझो सुबह 2 पॉइंट मिल गए तो शाम को 5 पॉइंट मिल गए, 7 पॉइंट आप लेके आ गए, महीने में 15 दिन अगर 7 पॉइंट 8 पॉइंट लेके आ रहे हैं तो 120 पॉइंट हो रहे हैं। 120 पॉइंट मतलब निफ्टी से 8-10 हजार रुपया आप सिंगल लॉट में निकाल के ला रहे हो, जबकि आपका पैसा जो एंगेज हो रहा है वो हार्डली 60-70-80 हजार जैसा भी मार्जिन आपका ब्रोकर चार्ज कर रहा है उस हिसाब से हो रहा है।
तो इतना पैसा एंगेज करके एक रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं, और महीने में कम से कम 2 या 3 बार तो आपको बड़े प्रॉफिट मिलने वाले हैं। जब भी ऐसा ब्रेकआउट हो कि आपको दिखे कि अरे ये तो एक झटके में 15 पॉइंट ऊपर चला गया, तो प्रॉफिट जब आपको सबसे ज्यादा ललचाता हो तभी आपके मन को रोकने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक झटके में 15 पॉइंट गया है तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, लगा लिया। थोड़ा और ऊपर गया तो आपने 5 पॉइंट और स्टॉप लॉस बढ़ा दिया, बैठे हैं, चांसेस है कि 30 पॉइंट ही मिल जाए। ये 30 पॉइंट अगर 3 बार महीने में आते ही हैं, अगर आपके हाथ में आ गए, तो 80-90 पॉइंट तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। 70 पॉइंट और पकड़ लें, 150 पॉइंट आप बना लेते हो, तो अच्छा खासा एवरेज बैठ जाएगा। हम हमेशा जो बताते हैं वो इतना फिजिबल अमाउंट बताते हैं कि आपको सुनने में बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन काम करते हैं तब बहुत मजा आता है, क्योंकि जितना आपने सोचा था हमेशा उससे ज्यादा मिलेगा। हम क्या चाहते हैं कि किसी भी हालत में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करें, लेकिन हमारा ओवरऑल नेट प्रॉफिट ज्यादा रहे। जबकि कई बार ऐसा होता है कि आपने एक एक बार में 40-40, 50-50 पॉइंट कमाए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि कभी 7 पॉइंट, कभी 8 पॉइंट, कभी 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है। 5 दिन बाद देखा तो एक दिन जो 50 पॉइंट आया था उसमें से 38 पॉइंट जा चुका, 12.5 दिनों का एवरेज है, तो हर दिन का एवरेज कितना बैठ जाएगा? 3 पॉइंट भी नहीं, 2.5 पॉइंट हो जाएगा। शर्मनाक है मामला। दिखता बड़ा है होता छोटा है, या दिखता छोटा है होता बड़ा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर मैं बार बार बात करूंगा, क्योंकि ये बात दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है। लोग बड़े इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास छोटे का महत्व दिमाग में नहीं आया। छोटे का, यू जस्ट बिलीव इन स्मॉल थिंग्स, स्मॉल चेंजेस, एंड यू विल हैव द बिगेस्ट प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट। आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है अगर आप ये बात समझ लो कि छोटी 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 चीजों से क्या बन सकता है। तो ये टेक्निक को अप्लाई कीजिए, ये टेक्निक पूरी तरह फुल प्रूफ है। अगर आप वेट नहीं कर रहे हैं, और हमने आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी नहीं कहा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर ट्रेड एक्टिव हुआ, निफ्टी की बाइंग या सेलिंग हो गई, अब आपने बाइंग की बाइंग हो गई और आप स्टॉप लॉस लगाने जा रहे हैं, तब तक तो ऊपर 4-5 पॉइंट घूम के नीचे आएगा और ऐसे लेट कर जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं ट्रेड एक्टिव होते ही बस बेचो, बस बेचो, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट जो मिलता है ले लो। एकदम बड़ा ब्रेकआउट हुआ 10-12 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस लगा दो, थोड़ा वेट कर लो, उस दिन 25 पॉइंट भी मिल जाएगा। पूरी तरह समझा दिया है आपको। क्लास में, फोन पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर और बात होगी, और जरूरत है आपको एक मेंटरशिप की, क्योंकि जिंदगी के जो उसूल हैं वो तो बड़े सिंपल होते हैं, वो बदले नहीं 5,000 सालों से, लेकिन उस पर यकीन दिलाने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती थी। मतलब एक अच्छी बात जो हम बार बार याद कर सके, तो वो हमारी आदत में उतर जाती है और तभी चीजें काम करती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।